Hey, hello everyone, this is Sumit Sharma and welcome to complex number part 2 video. And अगर आप लोग पहली बार और नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और सब्सक्राइब करने का रीज़न अगर आपको जानना है तो आप लोग मेरे चैनल जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ के वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, सब कुछ देखिए. अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर अगर आपने लाइक कर दिया तो. एंड लेट्स स्टार्ट मॉड्यूलस. मॉड्यूलस हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है मॉड्यूलस. 20 प्रॉपर्टी आज हम लोग देखने वाले मॉड्यूल, सॉरी 19 प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं मॉड्यूलस की. और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में, देन द मॉड्यूलस. और ये क्या है, हमारा z है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. नाउ अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ z चाहिए तो इसको डिनोट किया जाता है मॉड z से. ठीक है, मॉड्यूलस हमने बचपन में ही पढ़ा है, बचपन में क्या 11 12th में पढ़ा है. नाउ इस मॉड जेड इज़ प्रिंसिपल स्क्वायर ऑफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. प्रिंसिपल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ ऑल्सो मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं. नहीं ध्यान रखोगे आपकी घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है. अच्छा, मैंने जो ध्यान रखा तो मैं आपको बताऊँ, मॉड जेड इज इक्वल टू आपको बताएं तो क्या बोलते हैं उसे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा मॉड जेड है. नाउ मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा पूरे में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमें फिर से आयोटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे दिखाएंगे, एक्स प्लस आई वाई और इंटू एक्स माइनस आई वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ ये क्या है, ये जेड जेड कॉन्जुगेट है. ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी हो गई ये भी कि मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड कॉन्जुगेट. मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस वाई वाई. ये तीनों चारों चीज़ें आपस में इक्वल हैं और इन्हीं पे बेस्ड हम लोग आगे प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं. सो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में. जो प्रॉपर्टी जानने वाले हैं वो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई, किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी सारी प्रॉपर्टी, 19 प्रॉपर्टीज़ मॉड्यूलस की. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, आगे बढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी है मॉड जेड इज इक्वल जीरो अगर जेड इक्वल जीरो हो जाता है तो. नाउ मॉड जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो. मॉड जेड इज ग्रेटर दैन जीरो इफ़ जेड नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, अगर जेड जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो मॉड जेड हमेशा ग्रेटर दैन जीरो होगा. ठीक है कि नहीं, समझिएगा, बीच में कॉमा भी लगा ध्यान दीजिएगा. ठीक, नाउ मॉड जेड इक्वल जीरो कौन सी कंडीशन पे, इस कंडीशन पे. तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड कॉन्जुगेट, अभी पढ़ के आए हैं हम लोग ये ऊपर से. नाउ अगर आप लोग आई आई टी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एंड नाउ हाँ, तो जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, और सब में अगर मॉड्यूलस पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, वो सारी प्रॉपर्टी उनमें से एक ना एक, दो तीन चार कुछ काम ज़रूर आएंगे आपके. ओके, इनफैक्ट ये जो जिस कंटेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल बुक है जिसको लोग जेई एडवांस और जेई मेंस की तैयारी करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ समझिएगा, जितनी भी हाई प्रोफाइल बुकें हैं उन सबसे ये कंटेंट निकाला गया है. सो ध्यान रखिएगा. नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेगेटिव ऑफ जेड वन जेड टू मॉड एंड जेड वन जेड टू, जेड वन जेड टू मॉड मॉड अलग हो गया. ठीक है, हमें दिख भी रहा है. अच्छा, जेड वन अपॉन जेड टू मॉड लगाया बड़ा सा, तो अच्छा मॉड भी सेपरेट हो गया, डिवीजन में भी मॉड सेपरेट हो जाता है, यानी कि मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू. मॉड सेपरेट हो गया और कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. इनफैक्ट आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं अभी, उससे लो स्टैंडर्ड का भी एक स्टूडेंट बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है कि मॉड यहाँ पे सेपरेट हो गया है. लेकिन ये छोटी सी चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, जिस वजह से गलती कर देते हैं लोग बड़े बड़े एग्जाम्स में, जे एडवांस में जैसे. ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेगेटिव मॉड जेड इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू रियल जेड एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड. ठीक है, इस बात को समझिएगा, रियल जेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव मॉड जेड एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड. ठीक है, ये रियल नंबर की एक तरीके से बोले तो डोमेन हो गई रियल नंबर की, देख लें पूरा माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड तक. नाउ दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड तक इमेजनरी की भी डोमेन हो गई, इमेजनरी जेड जो हमारा होता है, इमेजनरी नंबर होता है जो.
ठीक है, वो इसी के बीच में ही रहता है, माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड तक। ठीक है, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं अभी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, वो क्या कहती है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। सिंपल सी प्रॉपर्टी, मॉड सेपरेट हो रहा है एडिशन में, एडिशन के अंडर में मॉड ऑपरेशन लगाया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे जाने से पहले आप लोगों को बता दें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। नाउ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। एंड बहुत सी चीज़ें आप लोग इस चैनल पे कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट मैंने वेल कैटेगराइज बना रखी है, और टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इंस्टाग्राम बना रखा है, सब कुछ आप मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। सिक्स प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉड जेड वन माइनस सॉरी मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू। कुछ नहीं, बस मॉड सेपरेट हो गया है। अच्छा, यहीं से एक ट्रेंगल इनइक्वलिटी निकल के आती है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये चीज़ ये हमें ध्यान रखना है, मैं तो यही देखा था, मैं इतना ही ध्यान रखा था अभी तक। ठीक है, और इससे ही काम हो जाता है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू सॉरी मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, आगे आपको सुनने में ज़रूर मिलेगा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। नाउ सेवन प्रॉपर्टी कहती है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अप टू जेड एन इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू एडिशन रूल अंडर एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तब भी वो जुड़ेंगे ही, मॉड सेपरेट होगा ही। और अगर जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, प्लस जेड वन माइनस जेड टू का मॉड का स्क्वायर। ठीक, तो टू टाइम्स हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। वैसे जनरली ये हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि देखने को नहीं मिला है तभी चांसेस हैं कि देखने को ज़रूर मिल सकता है। सो ऐसे हमें सोचना चाहिए हमेशा कि अगर नहीं आया है एग्ज़ाम में तो फिर आने के चांसेस बहुत से हैं। ठीक है, नाउ ये क्या है, ए जेड वन बी जेड टू टू बी टू पॉइंट देन ए बी इज इक्वल टू, इतना हो गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ जेड वन प्लस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू, अच्छा फिर से सेपरेशन हो गया। अच्छा, ये पूरी चीज़ पढ़ना है आपको, टेंथ प्रॉपर्टी खुद से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप लोग समझ जाएंगे। ओके सॉरी, नाउ इलेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जेड मॉड सॉरी जेड की पावर एन का मॉड। ठीक है, जेड टू द पावर एन होल मॉड इज इक्व टू मॉड जेड की पावर एन, यानी पहले जो nth पावर थी वो जेड पे लगी थी, अब जो पावर है पूरे मॉड पे लगी है। ठीक है, तो ऐसा पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये चीज़ हम जो हमने प्लस के लिए अभी देखी थी, मॉड जेड प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू का मॉड और उसका स्क्वायर। ठीक, तो यही अभी पहले भी हमने देखी, वही चीज़ माइनस के लिए भी लागू हो जाती है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, बस वो हमें देखने में टफ लगता है, जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे ये चीज़ें देखने में बहुत टफ लगती थी, जबकि एक्चुअली मगर मुझसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिख के मैं आपको बताऊँ, एक एडवाइस मैं छोटी देना चाहूँगा, ये हैक है, प्लेन कॉपी का इस्तेमाल कीजिए लिखने के लिए, जिस पर कोई लाइनिंग्स ना हो। ओके, और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको बताऊँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये काम करती हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोग यकीन नहीं होगा, कुछ लोग भी इस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है और मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ प्लेन कॉपी, एकदम प्लेन कॉपी, जैसे ये नहीं है, देखिए ये प्लेन है एकदम, इस पर कोई लाइनिंग्स नहीं है, इस पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और क्योंकि वो चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगा, सेपरेट वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे मुझे। नाउ मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड वन कॉन्जुगेट प्लस माइनस जेड टू का मॉड का स्क्वायर इज इक्व टू जेड वन कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर इज इक्व जेड टू कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्व टू रियल जेड वन जेड टू इज इक्व ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी कुछ बहुत ही खतरनाक सी प्रॉपर्टी लग रही है। नाउ सब कुछ बताने के बाद यहाँ बता दिया गया है, इट इम्प्लाइज जेड वन अपॉन जेड टू इज़ प्योरली इमेजनरी। ठीक है, जेड वन अपॉन जेड टू इज़ प्योरली इमेजनरी। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कह रही है, इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, मैं कुछ सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं भी इसको ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग इसे देख के समझ जाएंगे, कुछ लोग देख के नहीं समझेंगे। ओके,
ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलती है, इस प्रॉपर्टी का हमें यूज़ इतनी जल्दी कहीं नहीं मिलता, अगर मिलेगा भी तो इस तरीके से हमें मिलेगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इम्प्लाइज होता चला जा रहा है, ये इम्प्लाइज हो गया, ठीक है, और यहाँ भी इम्प्लाइज हो रहा है, तो समझिएगा ये एक ही प्रॉपर्टी एक है, बस उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है अलग अलग। देखिए ये इतनी सी इतनी, यही तो प्रॉपर्टी है जो मैंने बता दिया आपको, समझिए बात को। फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, नाउ फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस एक्सप्रेशन ए जेड वन माइनस बी जेड टू का मॉड का स्क्वायर सेम, बी जेड वन प्लस ए जेड टू का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ए और बी थे वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड मॉड जेड वन सॉरी मॉड जेड वन का स्क्वायर मॉड जेड टू का स्क्वायर ये अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ओके। नाउ यूनी मॉड्यूलर इज सेट टू बी यूनी मॉड्यूलर, यूनी मॉड्यूलर कब होता है जेड, जब मॉड जेड की वैल्यू वन हो, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे सकता है, जेई एडवांस जैसे जेई मेंस में जैसे, कि बोलेगा कि एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि मॉड जेड इज इक्वल टू वन, इफ़ मॉड जेड इज इक्वल ज़ीरो देन जेड और रूट जेड, जेड रूट जेड इज ऑलवेज यूनी मॉड्यूलर सिंस मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का कॉन्जुगेट, समझिएगा बात। अच्छा यहाँ पे रूट नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट, और अगर जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर मॉड यूनी मॉड्यूलर है तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नाउ इफ़ जेड प्लस वन अपॉन जेड का मॉड इज इक्वल टू ए एंड ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी ये कंडीशन आई है, ध्यान दीजिएगा। एंड नाउ लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा प्लस जेड माइनस बीटा इज इक्वल इज ए माइनस बी का मॉड, ठीक है, समझिएगा इस बात को। अच्छा ये मॉड जो है जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा दोनों को ऐड किया गया है, तो क्या हुआ है, बचा क्या हमारे पास है, ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी बचेगा, यानी इस पूरी चीज़ को हम इक्वल कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। नाउ जेड वन जेड टू जेड थ्री आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ए बी सी आर द थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन अगर ये कंडीशन है तो हम अपने मॉड को इस तरीके सॉरी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं वो मायने नहीं रखता, वो हम बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अच्छा अगर हमारे पास क्या है, ए बी सी आई, ए आई बी आई और सी आई, जहाँ पे आई इज इक्वल टू वन टू थ्री और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या है, जेड इज इक्वल टू पहले तो इतना हो गया, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री, देन अगर जेड कॉन्जुगेट चाहिए तो ए वन कॉन्जुगेट ए टू कॉन्जुगेट ए थ्री कॉन्जुगेट, उसी तरह सिमिलरली सब पे कॉन्जुगेट लग जाएगा, ठीक है। सो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट में कॉन्जुगेट का यूज़ करना, ठीक है। नाउ सो 19 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द 19 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस, एंड मॉड्यूलस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एग्जाम्स एंड ऑल द अदर काइंड ऑफ एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।